चैनल सब कुछ देख रहे सारे प्यारे दर्शकों नू बहुत बहुत स्वागत है निकी जी जी आया नू। मैं हाँ नैना अरोड़ा और अज असी पहुंचे हाँ उजारियाँ सीरीयल दे सेट दे उपर। कलर्स दे उपर तुसी सारे देखते ही हो, बहुत ही पॉपुलर शो है जिदा कि असी सारे जानते हाँ कि हर एक इंसान की जिंदगी दे विच हर एक दे बहुत ही वड्डे सुपने हुंदे ने और उन्हां सुपनिआं नू उच्चियाँ उडारियाँ मार लंबी तो लंबी मंजिल सार करन दी कोशिश करदे ने। ते इह की सुपने ने, किदां दीआं उडारियाँ ने जी, बिल्कुल आओ असी तुहानूं दिखाने हाँ उडारियाँ दे सेट दे उपर। कम ऑन, सत श्री अकाल ते बहुत बहुत स्वागत। ते हुण असीं तुहानूं मिलवाउण जा रहे हां उजारिया सीरियल दी बहुत ही फेमस वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर तेजो उर्फ तान्या उर्फ प्रियंका। सो मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एंड सारिआं नूं सत श्री अकाल मेरी तरफ से, तेजो की तरफ से, उर्फ तान्या की तरफ से, उर्फ प्रियंका की तरफ से ऑफकोर्स। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक ही वन इन द मैन आर्मी, राइट, वन मैन आर्मी जो है प्रियंका अदा कर रही है। सो मैम आप हमें बताओ कि आप कैसे ये रोल को स्टार्ट कर रहे हो और कैसे ये रोल को अदा कर रहे हो सेम। तो पहले मैं आपको तेजो के बारे में बताऊं कि तान्या के बारे में? तेजो के बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि उडारियां की स्टार्टिंग जो है वो तेजो से ही हुई है। तो तेजो के बारे में, अगर जैसे हमारे सारे व्यूवर्स जानते ही होंगे कि तेजो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, बहुत स्ट्रांग लड़की है, अपने फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकती है, हर बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस कर सकती है, लेकिन वो अपने असूलों की बहुत पक्की है। उसके जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में वो हैं, उनके अगेंस्ट वो कभी नहीं जाती। उसमें अगर उसकी फैमिली भी गलत होगी तो वो उनको रोक देगी, टोक देगी वहाँ पर। लेकिन हाँ, जहाँ पर बात आती है उसकी सपनों की या उसकी फैमिली की खुशियों की, तो वहाँ पर वो अपनी फैमिली की खुशियाँ ही प्रेफर करती है। सो ये तेजो है। और अब आते हैं हम तान्या पे। तो अभी फिलहाल मैं तान्या हूँ, तान्या के ही गेटअप में हूँ। तान्या थोड़ी सी फैंसी है, मॉडर्न है। तान्या के लिए फैमिली जो आपसे प्यार करे वो फैमिली है। तान्या के लिए ऐसा नहीं कि हमारी पर्टिकुलर एक फैमिली ही होनी चाहिए, उसके लिए सब फैमिली है जो उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है। तान्या बहुत फ्री लाइफ इंजॉय करती है, मतलब वो फ्री रहना पसंद करती है, अपनी ही मस्ती में रहती है। सब ऐसा नहीं है, मतलब तेजो और तान्या का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, बट दोनों बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ को लेकर बस अलग तरह से सोचते हैं, बट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ओके, दोनों का यही है। एंड मैम आपने तेजो का रोल भी अदा किया है एंड ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आपने तान्या का रोल भी अदा किया है। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों रोल्स में? इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस बोलूंगी तो बस यही है कि कहीं ना कहीं तेजो जैसे फैमिली के साथ बंधी हुई थी और अपने पंजाब में रहना चाहती थी, वो एक सर्कल में ही रहना चाहती थी और वहीं खुश रहना चाहती थी। वहीं जो तान्या है वो बिल्कुल फ्री रहना चाहती है लाइफ में। okay. वो सब, वो बस हैप्पी रहना चाहती है, जो चीज उसको खुश रखती है वो वैसी ही है। ऑलराइट, और ये जो शाइनी तान्या है, बहुत ब्राइट शाइन कर रही है तान्या। और ये तान्या रहने की कहाँ की रहने वाली है? तान्या जो है वो है तो वैसे पंजाब की ही लड़की, छोटे से गांव से बिलोंग करती है। okay. लेकिन काफी टाइम से अभी वो लंदन में भी रह रही थी। uh-huh. तो काफी आदतें उसकी वहां की हो चुकी हैं। ओके, ऑलराइट। और मैम आपको यहाँ का सेट और यहाँ की टीम कैसे लग रही है? बिकॉज जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका सारा एनवायरनमेंट को अपने आप में ढालना बहुत अच्छा होता है और बहुत जरूरी भी होता है। True. और हाउ द टीम इज एंड हाउ द सेट इज? सो लेट मी टेल यू, जस्ट लाइक ऑनेस्टली लेट मी टेल यू वन थिंग, आई जस्ट लव द होल टीम वी हैव, एवरीबॉडी हियर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, क्रू मेंबर्स, चाहे लाइट दादा हों, चाहे हमारे डीओपी दादा हों, एवरीबॉडी, स्पॉट दादा, एवरीबॉडी
everybody is really sweet okay. and lovely people are here. पंजाब में मैंने काफी सुना था कि पंजाब के लोग बहुत अच्छे होते हैं और आज देख भी लिया यहाँ आने के बाद. It's been 1.5 years almost कि मैं पंजाब में शूट कर रही हूँ फॉर उडारिया एंड ट्रस्ट मी मुझे पंजाब से पंजाब के लोगों से हमारी टीम से बहुत प्यार है. Wow, wonderful. So ये है प्यारी सी प्रियंका उर्फ तेजो उर्फ तान्या, right? So ये थी हमारी स्वीट सी प्रियंका और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मैम के साथ बातें करके. और मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आप जाते जाते हमारे सारे व्यूअर्स को कैसे थैंक्स कहना चाहोगे क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो कैरेक्टर है और उडारियां है बहुत सारा प्यार मिल रहा है और ये आपको अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं सब कुछ की ओर से कि आप सबको थैंक्स अपने हर्ट की ओर से कैसे बोलना चाहोगे. मैं मेरे सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सबसे पहले कि इतना प्यार मिला है मुझे. मैंने कभी सोचा भी नहीं था आई थिंक कि मेरे को एक ऐसा शो मिलेगा जहाँ पर दुनिया जहान का प्यार मुझे मिलेगा. सो आई एम रियली ग्रेटफुल और मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगी. तेजो को आपने इतना प्यार दिया उसके बाद में तान्या अब आप से जुड़ी है और फाइनली आप लोग तान्या को भी उतना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जितना तेजो को. मैं बस ये भी कहना चाहूँगी कीप वॉचिंग उडारिया गाइस क्योंकि बहुत ही अच्छा टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है उडारिया में एंड आई किड यू नॉट ट्रस्ट मी एक बहुत प्यारा सा ट्विस्ट आएगा एंड यू ऑल गोना लव इट. ऑलराइट थैंक यू सो मच मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करते हुए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू कैनेडा जाने का वो लंदन घूम आई है बट कैनेडा लेट्स सी क्या होता है. ओके ऑलराइट क्योंकि आप उडारियां सीरियल के साथ बने रहिए क्योंकि ऐसे ही मैम ने ये ट्विस्ट जो है डिस्क्लोज कर दिया तो फिर हमारे व्यूअर्स कहाँ जाएंगे राइट. सो सो जैस्मिन जी तुसी सानू बिल्कुल ऐदा दसो कि उडारियां दे नाल नाल तुसी चाइल्डहुड तो किदां की सोचा सी कि तुसी किस फील्ड दे विच उडारियां भरनियां ने. मैंने कुछ भी नहीं सोचा था एंड सीरियल्स तो आई यूज टू हेट बिकॉज सीरियल मुझे ऐसा लगता था यार क्या ड्रामा चल रहा है घर पर भी कोई देखता था तो मैं हमेशा चैनल बदल देती थी खुद या बदलने को कह देती थी. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे कुछ होने वाला है. मेरे मम्मा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बट उनके टाइम पे इतना कुछ हो नहीं पाया. सो काफ़ी मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मोटिवेट किया और फिर इंस्टाग्राम पे से सरगुन मैम सिलेक्टेड मी और उसके बाद फिर ऐसे प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ते गए. मैं मॉक टेस्ट के लिए आई चंडीगढ़ फिर एक महीना लगा फाइनलाइज होने में उसके बाद मुझे कॉल आया कि आप आ जाओ और फिर जब मैं आई तो मैं घर ही नहीं गई वापस तब से. ओके ऑलराइट तो होम सिकनेस आप कितना फील कर रहे हो घर को कितना फील कर काफी फील करती हूँ बिकॉज मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से. मैं भोपाल से हूँ मध्य प्रदेश तो काफी मेरे लिए मुश्किल होता है. मैं एक साल के बाद घर गई थी और वो भी एक दिन के लिए क्योंकि मेरे को बहुत अर्जेंट एक पासपोर्ट का काम था. एक घंटा मतलब मेरे कुछ घंटे ट्रैवलिंग में निकल गए और कुछ ही घंटे में अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटिव से मिल पाई और देन आई हैड टू कम बैक तो मैं वापस आ गई. ऑलराइट और मैम आप इस सेम उडारियां सीरियल में कैसा रोल अदा कर रहे हैं और कितनी चुलबुली सी है हमारी जैस्मिन प्लीज शेयर. ये तो सबके लिए ही मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टिंग रही है क्योंकि हमेशा से जब शो शुरू हुआ था तब जैस्मिन बबली चुलबुली ऐसा कैरेक्टर था मेरा और फिर धीरे धीरे ग्रे शेड में चेंज होता गया. अभी बीच में थोड़ी सी जैस्मिन पॉजिटिव थी अब अगैन ग्रे शेड. सो आई एम हैप्पी कि मुझे काफ़ी सारे वर्सेटाइल रोल्स प्ले करने मिले. सो ओके ऑलराइट एंड वन सिली क्वेश्चन फॉर यू कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मैम और सारा उडारियां सीरियल
कब आएगा और कब हम वॉच करेंगे. ऑब्वियसली फेसबुक पे मैं नाइट को भी अगर अवेलेबल होता है तो मैं देखती हूँ. सो हाउ एक्साइटेड यू आर, मतलब आप खुद को देखने के लिए कितने एक्साइटेड होते हो? काफ़ी ज़्यादा होती है एक्साइटमेंट. और एपिसोड्स के मुझे खुद के लुक्स देखने की ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आज मैंने ये किया था या ये पहना था तो उसका आउटपुट कैसा आया होगा. मैं घर जाके मैं कितनी भी लेट हूँ, मम्मा और मैं साथ में तो डेफिनेटली देखते ही हैं वूट पे. ओके ऑल राइट. और पेरेंट्स कितने सपोर्टिव है? यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड लाइक पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, बट इनिशियल टाइम से लेकर आज तक पेरेंट्स का क्या व्यू रहा है, क्या कमेंट्स रहे? बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी तो पूरी जर्नी मेरे पेरेंट्स के बिना इनकम्प्लीट ही है एक तरीके से. क्योंकि कहीं कहीं पर कभी कभी ऐसा हुआ है कि लोगों की काफ़ी जर्नी होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अकेले आगे बढ़ते हैं. मेरे केस में तो मैं कभी कभी थक जाती थी कि यार बस हो गया, अब रहने देते हैं. मेड भी फोटोशूट, मेड भी डांसिंग, मेड भी एक्टिंग, कुछ भी एनीथिंग. तो मम्मा और पापा ने दोनों ने काफी मोटिवेट किया है. जैस्मिन जी, प्यार भरी सत श्री अकाल. थैंक यू, सत श्री अकाल एवरीवन.